हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी माइक्रोबायलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं लाइक बैक्टीरिया वायरस फंजाई एल्गी एंड प्रोटोजोन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वट सी विथ आवर नेक्ड आई तेरफोर वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम माइक्रो बायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी नेट डाई से नहीं देख सकते हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन वेरियस फील्ड एंड हैव मेनी ब्रांचेस सो इट इज़ मेनली डिवाइडेड टू टू ब्रांचेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर फील्ड में यूज किया जाता है जिसकी कई ब्रांचेज है इसकी मेन दो ब्रांचेज है एक है प्योर माइक्रो एंड सेकेंड इज अप्लाइड माइक्रोबाइलॉजी प्योर माइक्रोबाइलॉजी in pure microbiology is a ब्रांच विद डील्स विद the application ऑफ microorganism in इन field फील्ड ऑफ साइंस फॉर production प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्योर माइक्रोबाइलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस की किस फील्ड में यूज हो होता है फॉर ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व द यू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस कमर्शियल प्रोडक्ट और टू कैरी आउट यूजफुल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड माइक्रोबाइलॉजी का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल प्रोडक्ट एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोबाइलॉजी के दो ब्रांचेस हैं प्योर माइक्रोबाइलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबाइलॉजी इन प्योर माइक्रोबाइलॉजी वी विल स्टर टॉक अबाउट बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोलॉजी प्रोटोसोलॉजी वायरोलॉजी एल्गोलॉजी अनदर फाइकोलॉजी Parasitology, microbial ecology, microbial morphology, microbial taxonomy, microbial physiology, microbial genetics, and molecular biology. And in applied microbiology, we will study about industrial microbiology, agricultural microbiology, food microbiology, dairy microbiology, aquatic microbiology, air microbiology, exomicrobiology. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी वी विल डिस्कस इट अबाउट इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर फील्ड ऑफ प्योर माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर अपन कंप्लीट बैक्टीरिया के स्टडी करते हैं नेक्स्ट वन इज माइकोबाइ माइक्रोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई ऑल टाइप ऑफ फंजाई स्टडीड इन माइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्लोरोफिलस होती है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉफिक होता है मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन ग्यू होते हैं सेल वॉल कंटेनिंग काइटीन या cellulose. इनके सेल वॉल जो है काइटीन या सेलुलोज की बनी हुई होती है थर्ड वन इज प्रोटोजोलॉजी इन दिस वी विल स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ प्रोटोजोअर्स एनिमल्स लाइक सिंगल सेल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम कम्प्लीट प्रोटोजोन की स्टडी प्रोटोजोलॉजी में होती है नेक्स्ट इज़ वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिसीजेज वायरस एंड वायरस से होने वाली जितनी भी डिसीजेज हैं उनकी स्टडी वायरोलॉजी के अंदर होती है एल्गोलॉजी ऑफ फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी एल्गी की स्टडी को बोलते हैं नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासिटिज्म एंड पैरासाइट्स जितने भी पैरासाइट्स है या पैरासिटिज़्म में उनकी स्टडी पैरासिटोलॉजी में करते हैं इंक्लूड पैथोजेनिक प्रोटोजोआ हेलमिन्स फॉर्म्स एंड सर्टेन इंसेक्ट प्रोटोजुआंस हेलमिन्स एंड इंसेक्ट्स की स्टडी पैरासिटोलॉजी में करते हैं बिकॉज दे आर पैरासाइट्स द इन्फेक्ट देर होस्ट नेक्स्ट वन इज मेडिकल इकोलॉजी माइक्रोबियल इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर माइक्रोबियल इकोलॉजी वर्ड से ही समझ में आ रहा है माइक्रोब्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज माइक्रोबियल माइ मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम्प्लीट डिटेल स्ट्रक्चर हम माइक्रोबियल इकोलॉजी मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं नेक्स्ट इज माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी इट कंसर्न विद क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेसन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम एक्सोनॉमी के अंदर हम माइक्रोब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेमिंग और उसका आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ माइक्रोब्स एट सेल्युलर एंड मोलिकुल लेवल मोलिकुलर और सेल्यूलर लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबोलिज्म की स्टडी करते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी इन दिस वी विल स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म एंड ग्रोथ इसके अंदर अपन माइक्रोबियल में सेल की मेटाबोलिज्म एंड ग्रोथ के टाइम जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल की कम्प्लीट स्टडी की जाती है उसका स्ट्रक्चर क्या है फंक्शन क्या है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है वो सब इस स्टडी के अंदर इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है नेक्स्ट वन इज मेजर फील्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी प्योर माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ लिया अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल में माइक्रोबायोलॉजी का कहाँ यूज़ है इट कंसर्न विद इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज विटामिन एंजाइम्स एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग्स प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज में विटामिन में एंजाइम में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और ड्रग बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज़ होता है वो हम सब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स एंड कंट्रोल ऑन प्लांट डिसीजेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इड्स एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे उसके बाद क्रॉप्स और माइक्रोब्स का क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे प्लांट डिसीजेस को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है और इल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द इंटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड इन रिलेशनशिप टू फूड प्रोसेसिंग फूड को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ़ूड के बीच में क्या इंट्रेक्शन होता है फूड स्पॉयलेज हो रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहाँ रिस्पॉन्सिबल है फूड बॉन्ड डिसीजेज जितनी भी होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम क्या रोल प्ले कर रहा है उसकी स्टडी करेंगे और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो सब हम फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज़ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे मिल्क uh, की क्वालिटी या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको uh, और बढ़ा सकते हैं और उसका मेंटेन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश एश्यूरियन एंड मराइन वाटर मराइन वाटर एंड फ्रेश एश्यूरियन में कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसकी कंप्लीट स्टडी हम एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं नेक्स्ट इज एयर माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द रोल ऑफ एरोस्पोरा इन कंटेमनेशन एंड स्पॉयलेज ऑफ फूड एरोस्पोरा क्या होता है एरोस्पोरा ऐसे स्पोर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है और वो किस टाइप से फूड को खराब करते हैं उसकी स्टडी करेंगे एंड डिसमिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिसीजेज थ्रू एयर और एनिमल एंड प्लांट डिसीजेज एयर के थ्रू कैसे हो रही वो सब हम एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं नेक्स्ट वन इज़ एक्सो माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द एक्सप्लोरेशन फॉर माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेसेस। आउटर स्पेस में कैसे माइक्रोबियल लाइफ सर्वाइव कर रही है उसकी स्टडी हम एक्सो माइक्रोबाइलोजी के अंदर करते हैं नेक्स्ट इज मेडिकल माइक्रोबाइलोजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीजेज डिसीजेज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम कौन से हैं उसकी स्टडी करते हैं हम मेडिकल माइक्रोबायलॉजी के अंदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट कोजिकेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहती है उसकी स्टडी होती है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी इट डील्स विद द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टू स्टडी सीरोलॉजिकल रिएक्शन इसके अंदर अपन इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी है हमारे उसकी स्टडी करते हैं और इन्फेक्शन uh, से कैसे बचा जा सकता है माइक्रोब्स की उसकी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद साइंटिफिक मेन्यूपुुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एट मोलिकुलर एंड जेनेटिक लेवल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे मोलिकुलर और जेनेटिक लेवल पे यूज़ किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लास्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी। इट कंसर्न विथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज़ इन कम्युनिटीज़ पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं कि कोई भी डिसीज़ है किस टाइप से हो रही है इसको कम्युनिटी में किस तरीके से स्प्रेड हो रही है उसे कैसे बचा जा सकता है उसे हम सब स्टडी करते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू